क्या मोदी सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय लिया था? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कश्मीर में भारतीय सेना के उच्च अधिकारी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन से पूछा गया कि कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय लेने से पहले अमित शाह जी के साथ जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में क्या हुआ था, इस पर केजीएस ढिल्लन ने बताया कि धारा 370 हटाने से 40 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर दौरे पर आए थे। तब उस मीटिंग में अमित शाह जी ने मुझसे पूछा कि अगर हम जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाते हैं तो इसका जम्मू कश्मीर और एलओसी पर क्या असर होगा, बार बार धमकियां देने वाले पाकिस्तान की ओर से क्या खतरा आ सकता है। इन सब सवालों के जवाब जानने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इस पर मैंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर इतिहास लिखना है तो पहले इतिहास बनाना पड़ता है, और इतना सब कुछ होने के बाद ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का निर्णय लिया गया था। हमारे भारत देश के एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्हें उनकी खोज के लिए अमेरिका ने 1400 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने अमेरिका के ऑफर को ठुकराकर भारत सरकार को फ्री में, जी हाँ गाइस, फ्री में अपनी खोज का फॉर्मूला दे दिया। कौन है ये वैज्ञानिक, चलिए जानते हैं। ये है भारतीय वैज्ञानिक राजगोपालन वासुदेवन, जिन्हें प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने साल 2001 में एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिससे प्लास्टिक वेस्ट को रोड बनाने में इस्तेमाल किया जा सके, और प्लास्टिक वेस्ट से बनाया गया रोड आम तौर पर बनाए जाने वाले रोड से ज्यादा मजबूत होता है। हमारे देश में हर रोज 2.5 करोड़ किलो प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, जो दिन ब दिन पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में वासुदेवन जी का ये आइडिया इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। आज तक हमारे देश में प्लास्टिक से 1,00,000 किलोमीटर रोड बनाया जा चुका है। गाइस, अगर वासुदेवन जी चाहते तो इस आइडिया को पेटेंट करा के करोड़ों रुपए छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि देश के लिए अपना आइडिया फ्री में दे दिया। और आज भारत में ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों में इसी आइडिया से रोड बनाए जा रहे हैं। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने सैकड़ों निहत्तों पर गोलियां चलवा दी, तो इस बाग से 40 किलोमीटर दूर एक गांव से 11 साल का बच्चा जलियांवाला बाग की तरफ पैदल निकल पड़ा और बाग में खून से सनी मिट्टी को अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों से आजादी के सपने देखने लगा। ये मिट्टी लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसने पिताजी को कहा कि पिताजी आप कहां जा रहे हैं, तो पिताजी ने जवाब दिया कि मैं आम की गुठलियां बोऊंगा जिससे पेड़ लगेगा और बहुत सारे आम मिलेंगे। तो जानते हो उस बच्चे ने क्या कहा, उस 11 साल के बच्चे ने कहा कि मैं भी इस खेत में बंदूक बोना चाहता हूं जिससे मुझे बहुत सारी बंदूकें मिले और मैं अपने देश को आजादी दिला सकूं। इस क्रांतिकारी विचार को रखने वाले का नाम है शहीद भगत सिंह, जो हमारे लिए, इस देश के लिए हंसते हंसते ये कहकर फांसी पर चढ़ गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है।